एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न है तीसरा का, जिसमें दिया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो पहले समझिए कि शून्यक या संगत बहुपद के शून्यक होते क्या है। तो जब भी अगर कोई बहुपद दिया है और उसका शून्यक जो होगा, उस शून्यक का अगर मान रखते हैं तो उस बहुपद का मान को क्या करेगा, जीरो कर देगा। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे तीसरा का पहला में दिया है कि px=3x+1, ax -1/3। तो देखिए कुछ नहीं करना, जो x का मान दे रखा है उसे बहुपद में रख देना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे x=-1/3 रखने पर, ठीक है, और आपका बहुपद दे रखा है px=3x+1, ठीक है। तो जहां जहां पर x दे रखा है, ठीक है, जहां जहां पे x दिया है उसके जगह पे -1/3 रख देना है, ठीक है। तो लिखेंगे p -1/3 देखिए, फिर यहाँ पे 3 है और x है, तो x का मान ऑलरेडी दे रखा है -1/3, तो x के जगह पे इसका मान रख देंगे। तो गुणा है तो गुणा, क्योंकि x जो है और 3 के बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा है, और फिर में -1/3 + 1। तो जब इसे हल करेंगे तो देखिए ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि जब भी भिन्न का गुणा देता है तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है, ठीक है। तो जैसे अगर इसका हल करें तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में जब भाग देंगे या गुणा करेंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, तो हो जाएगा -3, और नीचे देखिए फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 + 1। अब देखिए 3 से जब 3 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और ऑलरेडी इसका सिंबल चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -1 + 1, तो इस तरह से 0, 1 और 1 कट के क्या आ जाएगा, 0। और जब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि शून्य का मान रख के, अगर जब शून्य होगा तो उसको मान अगर रखेंगे तो बहुपद क्या होगा, 0 आएगा। देखिए 0 आ गया, यानी कि ये जो आपका x=-1/3 है ये बहुपद का क्या है, शून्य है। तो आप लिखेंगे फिर यहाँ, फिर लिखेंगे यहाँ p-1/3 = 0 है, अतः x=-1/3 जो है आपका px=3x+1 का शून्यक है, ठीक है। तो तीसरा का पहला हो गया, अब चलिए देखते हैं तीसरा का दूसरा, ठीक है। तो तीसरा का दूसरा दे रखा है आपका, तीसरा का दूसरा दे रखा है आपका ax=4, 4/5। तो लिखेंगे x=4/5 रखने पर, और बहुपद आपका दे रखा है p ब्रैकेट में x=5x-5, ठीक है। तो फिर x का जितना मान दिया है, जहां जहां पर x दिया है वहां वहां पर x का मान रख देंगे, ठीक है। पांच गुणे एक्स का मान कितना, 4/5 - 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं, 5 से 5 कट गया तो कितना बचा, 4 4 - 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए शून्य रखने के बाद हमें 0 नहीं प्राप्त हुआ, होता है यह क्या है, बहुपद का शून्य नहीं है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि अतः x=4/5 बहुपद px=5x-5 का शून्य नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देख रहे हैं, तीसरा रखते हैं और तीसरा का हल करते हैं, देखते हैं कितना आता है।
देखिए तीसरा का तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर इसका मान दे रखा है शून्य जो है एक दिया है और माइनस में एक। यहाँ पर देखिए इसके पहले सभी क्वेश्चन में शून्य जो था सिर्फ एक ही दिया था, लेकिन यहाँ पे शून्य दो दिया है, और आप लोग ऑलरेडी जानते भी हैं कि जितना घात का बहुपद होता है उतना शून्य हमें प्राप्त हुई होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दो शून्य दिया है, तो पहले हम एक एक शून्य रख के हल करेंगे, देखेंगे जीरो आता है कि नहीं। ठीक है, तो पहले एक्स बराबर अगर एक लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर एक रखने पर, तो जहां जहां पे एक्स है उसका मान रख देते हैं। देखिए प्लस लिए थे तो प्लस ही रखेंगे, तो एक्स के जगह पे प्लस में एक, और इसका पावर है दो, तो दो माइनस एक, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं जब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा और माइनस एक, तो एक से एक कट गया तो हो गया जीरो। तो फिर यहाँ पे क्या आता है, बहुपद का शून्य है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट रखेंगे एक्स बराबर माइनस वन। ठीक है, यहां पर देखिए माइनस में एक है, लेकिन इसका जो पावर है सम, और जब पावर सम होता है तो उस जो संख्या होती है तो धनात्मक होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे विषम संख्या पावर में होता तब ये जो संख्या होती है ऋणात्मक आती, लेकिन यहाँ पे जो पावर है सम है, और जब भी सम संख्या हो किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर पावर अगर सम होता है तो उसका मान जो है क्या होगा, हमेशा धनात्मक आएगा। जैसे देखिए इसका ऊपर पावर दो है, यानी कि इसका मतलब हुआ माइनस एक गुणे माइनस एक, और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब गुणा होगा तो एक का एक में गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस में एक हो जाएगा। ठीक है, तो जब स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा एक माइनस एक, फिर एक से एक कट गया तो क्या हो गया जीरो, यानी कि फिर लिखेंगे अतः एक्स बराबर माइनस एक भी बहुपद का शून्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन एक्स माइनस दो। ठीक है, और आपका इसका शून्य दे रखा है एक्स बराबर माइनस एक कामा दो। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, पहले एक शून्य लिखेंगे फिर दूसरा शून्य रख के हल करेंगे, तो लिखेंगे एक्स बराबर माइनस एक रखने पर। ठीक है, तो पहले हमने माइनस वन लिया है तो माइनस वन रखते जाएंगे जहां जहां पे एक्स है, तो पी माइनस एक बराबर यहाँ लिखिए एक्स है, तो एक्स के जगह पे कितना माइनस वन लिखेंगे, माइनस वन प्लस में वन, फिर यहाँ लिखिए एक्स है तो एक्स के जगह पे माइनस एक माइनस दो। यहाँ पर देखिए कि माइनस में एक है और एक प्लस में एक है, तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो, और दूसरे ब्रैकेट में देखिए माइनस दो और माइनस एक कितना हो गया माइनस में तीन, और आप लोग यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में, और जब दोनों अलग अलग ब्रैकेट में तो इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में गुणा हुआ है, तो गुणा हुआ तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर जीरो से जब गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होगा, हमेशा शून्य ही आएगा जीरो ही आएगा, तो हो जाएगा आपका जीरो, यानी कि दिया हुआ यानी कि x बराबर माइनस वन क्या है दिए हुए बहुपद का शून्य है। ठीक है, फिर नीचे लिख लेंगे अतः दिया होगा x बराबर माइनस वन रखने पर जीरो आता है, अतः पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन ब्रैकेट में x माइनस दो क्या है इसका शून्य है। ठीक है, और फिर दो रखेंगे। ठीक है, तो जब दो लिखेंगे तो फिर हो जाएगा पी दो दो प्लस वन और हो गया दो माइनस दो, तो दो और एक तीन हो गया, और यहाँ पे देखिए दो एक प्लस में है और एक माइनस में, तो दो कट जाएगा क्या क्या जीरो, और फिर यहाँ पे भी जाने आप लोग कि जब जीरो में गुणा करेंगे क्या होगा जीरो हो जाएगा, तब ये दोनों जो दिया हुआ है
क्या है बहुपद का शून्य है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन दिया है 5x बराबर एक्स स्क्वायर और जो इसका शून्यक है शून्यक आपका दे रखा है जीरो, x बराबर जीरो, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर जीरो रखने पर, ठीक है, और आपका क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे जीरो रख देंगे, तो x के जगह पे जीरो और इसका स्क्वायर क्या है पावर जो है दो है। तो देखिए जब किसी जीरो में आप कितना भी गुणा करें पावर भाग करें जो भी चीज़ हो तो क्या हमेशा जीरो ही आएगा, यहाँ पे क्या होगा जीरो। तो फिर लिखेंगे अतः यह एक्स बराबर जीरो जो है क्या है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का क्या है बहुपद है, ठीक है, शून्यक है, मतलब इस बहुपद का क्या है एक्स बराबर जीरो जो है शून्यक है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आपका छठा दे रखा है इसमें पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और एक्स बराबर माइनस एम बटा एल, ये शून्यक दे रखा है, ठीक है, और हमें चेक करना है कि क्या ये इसका शून्यक है या नहीं। अगर इसको मान रखने पे जब रख के हल करेंगे जीरो आता है तो शून्यक होगा और नहीं आएगा जीरो तो शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो फिर एक्स जहाँ पे वहाँ पे रखते हैं तो लिखेंगे एक्स बराबर माइनस एम बटा एल का मान रखने पर, ठीक है। तो पी और देखिए एक्स के जगह पे क्या है माइनस में एम बटा एल बराबर एल है और एक्स है तो एक्स के जगह कितना है माइनस में एम बटा एल प्लस एम। अब देखिए यहाँ पे एल गुणे माइनस में एम बटा एल, ठीक है, प्लस और एक चीज देखिए एल नीचे भी है और ऊपर भी एल है तो एल से एल क्या होगा कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा, तो जब कट गया तो क्या बचा माइनस एम प्लस एम और देखिए माइनस में और एक प्लस में है तो जब एक माइनस में और दूसरा प्लस में तो कट जाएगा और जब कट गया तो क्या होगा जीरो आंसर आएगा। तो इसलिए जब जीरो आ गया तो क्या है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम का जो एक्स बराबर एम माइनस में एम बटा एल इसका क्या है शून्यक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखिए इसमें सातवा दे रखा है पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दो शून्य दे रखा है तो पहले एक शून्य रखते हैं फिर उसके बाद सेकंड रखेंगे, ठीक है। तो जो शून्य है इसका देखिए शून्य पहला क्या है एक्स बराबर माइनस में एक बटा अंडर रूट तीन का मान रखने पर, ठीक है। तो जहां जहां पी एक्स है वहां पे मान रखते, चलिए पी तीन गुणे माइनस में एक बटा अंडर रूट तीन और इसका क्या है ऊपर पावर है दो, ठीक है, तो पावर भी हम दो कर देंगे माइनस एक, ठीक। आप देखिए तीन गुणे तो जब माइनस एक और माइनस एक का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में एक हो जाएगा और देखिए अंडर रूट तीन और अंडर रूट तीन का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया एक बटा तीन माइनस एक। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए तीन से तीन कट गया तो क्या बचा एक और माइनस एक और जब एक प्लस में है और दूसरा माइनस में और जब सेम संख्या क्या होगा कैंसिल कट जाएगा तो क्या होगा जीरो बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा अतः एक्स बराबर माइनस एक बटा अंडर रूट तीन पी एक्स बहुपद यानी कि जो बहुपद पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या है शून्य है, ठीक है। अब दूसरा इसी में दे रखा है दूसरा देखिए दूसरा शून्य दिया है उसको रखते हैं, ठीक है। तो दूसरा शून्य दे रखा है दो बटा अंडर रूट में तीन, ठीक है। तो पी दो बटा अंडर रूट तीन बराबर तीन गुणे दो बटा तीन अंडर रूट में तीन का होल माइनस एक। तो तीन अब देखिए यहाँ पर फिर दो का जब स्क्वायर दो का करेंगे तो कितना दो दुना चार
और नीचे अंडर रूट में 3 है और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली 3 होगा माइनस 1। तो 3 से 3 कट गया, बचा 4 माइनस 1। यहाँ पर देखिए हमें शून्य नहीं मिला यानी कि 0 नहीं आया, अतः यह एक्स बराबर 2 बटा अंडर रूट 3 पी एक्स जो बहुपद है, बहुपद पी एक्स बराबर 3x² - 1 का शून्य नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला इसमें आपका आठवां दे रखा है, तीसरा का आठवां, पी एक्स बराबर 2x + 1। ठीक है, और इसका शून्य जो दे रखा है, देखिए शून्य है x बराबर 1/2। ठीक है, तो x बराबर 1/2 का मान रखने पर, ठीक है, तो p 1/2 बराबर 2, फिर देखिए x है तो x का मान रखेंगे 1/2 प्लस में 1। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कट गया और ऊपर क्या बचा 1 + 1, तो यहाँ पे क्या हमें मिला, 2 मिला, यानी कि जो x बराबर जो शून्य x बराबर 1/2 है, बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 1 का शून्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन 3 का पूर्ण। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।